हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M40 का। इसके साथ गाइस हम लोग कंपेयर करने वाले हैं मोटोरोला द्वारा लॉन्च किया गया नया स्मार्टफोन मोटोरोला वन विजन से। तो जानते हो ये दोनों स्मार्टफोन एकदम रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, तो कंपेयर करने में भी आपको बहुत ज्यादा ही देखने में मजा आएगा ये वीडियो, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके लिए इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा बेटर है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो करना ही करना, शेयर भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M40 के कंपैरिजन मोटोरोला वन विजन से, और आपको बताते हैं पूरी वीडियो डिटेल में, बारीकी में बात करेंगे, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, कैमरा कंपैरिजन एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं मोटोरोला वन विजन के कंपैरिजन विद सैमसंग गैलेक्सी M40 से, और आपको बताते हैं कितना कुछ अच्छा देखने को मिलता है आपको इसी दोनों स्मार्टफोन में। और आपको ये दोनों स्मार्टफोन, आपको एक चीज बता देता हूँ, दोनों ही स्मार्टफोन आपको एक ही प्राइस रेंज के अंदर मिलते हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को पता चलने वाला है आप लोग अपने इस प्राइस को कहाँ आपको अच्छी तरीके से स्पेंड करने चाहिए, और आपके लिए इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा बेटर होगा। तो क्या स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे दोनों फोन के डिस्प्ले से। आपको मोटोरोला वन विजन में देखने को मिलता है 6.3 इंच के FHD प्लस डिस्प्ले, वहीं पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 में भी मिलती है 6.3 इंचेस के FHD प्लस TFT डिस्प्ले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रैम और इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन की, तो गाइस यहां पे आपको मोटोरोला वन विजन में जो बेस वेरिएंट देखने को मिलता है गाइस, वो मिलता है आपको 4GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M40 में 6GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और इसके अलावा आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में कोई अदर वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन दोनों ही फोन के बैटरी कैपेसिटी यानी बैटरी बैकअप की, तो गाइस यहां पे अगर मैं बात करूं मोटोरोला वन विजन की, तो गाइस यहां पे आपको मिलती है 3500mAh की बैटरी विद फास्ट चार्जर के सपोर्ट के साथ में। और अगर मैं यहां पे बात करूं सैमसंग गैलेक्सी M40 की, तो फाइनली यहां पर भी आपको 3500mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद फास्ट चार्जर के साथ में, जो मिलता है आपको 15 वाट के चार्जर के सपोर्ट के साथ में। बात करें गाइस इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के परफॉर्मेंस की यानी प्रोसेसर्स की, तो गाइस यहां पे आपको मोटोरोला वन विजन में देखने को मिलता है एक्सिनोस 9609 का प्रोसेसर। वहीं पे अगर मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी M40 में, तो गाइस यहां पे आपको देखने को मिलती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। बात करें यहां पे कैमरा कंपैरिजन की इन दोनों ही स्मार्टफोन में, तो गाइस यहां पे आपको मोटोरोला वन विजन में देखने को मिलता है रियर कैमरा, डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में, जो होता है आपका 48 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का। और यहां पे आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है पंच होल स्क्रीन के साथ में, जो कि काफी यूनिक डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलता है। और ये आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है गाइस 25 मेगापिक्सल का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी M40 की, तो गाइस यहां पे आपको 32 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के साथ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेल्फी कैमरा की, तो यहां पर भी गाइस आपको पंच होल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको मिलता है आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा, और जो होता है वो आपका 16 मेगापिक्सल का। यानी यहां पे कैमरा कंपैरिजन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बात करें इन दोनों फोन्स के डिजाइंस की, तो डिजाइन तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस दोनों ही स्मार्टफोन में। बात करूं यहां पे अगर सैमसंग गैलेक्सी M40 में, तो यहां पे गाइस आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन है, लेकिन ये मतलब उतना अच्छा ज्यादा और शाइनिंग सरफेस नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करूं मोटोरोला वन विजन की, तो ये भी उतना ज्यादा कुछ ज्यादा शाइनिंग सरफेस नहीं है, ये भी आपको लगभग पॉलीकार्बोनेट बॉडी का देखने को मिलता है, मतलब शाइनिंग सरफेस नहीं है, लेकिन ये दोनों ही स्मार्टफोन आपके लिए ग्रिपफुल जरूर है। अब बात करते हैं गाइस दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस की। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था ये दोनों ही स्मार्टफोन एक ही प्राइस रेंज के हैं, तो गाइस यहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 एंड यहां पर मोटोरोला वन विजन देखने को मिलता है 20,000 रुपीज का, जो कि एक ही प्राइस रेंज के अंदर आपको ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। ओपिनियंस की बात करूं, दोनों ही स्मार्टफोन्स के कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ज्यादा ही अलग अलग है। अगर मैं बात करूं यहां पे प्रोसेसर के मामले में, ये दोनों स्मार्टफोन सेम है। बात करूं यहाँ पे बैटरी बैकअप के मामले में, दोनों स्मार्टफोन सेम है। बात करूं यहाँ पे स्क्रीन्स में, दोनों स्मार्टफोन सेम है, लेकिन डिस्प्ले में TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 में। इसके अलावा रैम्स में, तो बेस वेरिएंट के हिसाब से आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M40 से मोटोरोला वन विजन। यहाँ पे मेन चीज आती है कैमरा कंपैरिजन, तो गाइस कैमरा कंपैरिजन तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कैमरा कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा आगे है मोटोरोला वन विजन कंपैरेटिवली सैमसंग गैलेक्सी M40 के, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, और सेल्फी कैमरा के मामले में तो यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा ही आगे है मोटोरोला वन विजन। एक चीज और बताता हूँ, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में। और बस प्राइस रेंज की हमने बात कर ली, डिजाइन बात कर ली, ओपिनियंस में तो बस यही था, मेरा कॉन्सेप्ट ही यही था आप सभी लोगों के लिए कि आप ये दोनों स्मार्टफोन अपने आप में बेटर है, कोई किसी से कम नहीं, क्योंकि प्राइस रेंज भी सेम है और यहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी अलग अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मैं कंक्लूजन देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, वो ये है कि अगर आप लोग इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कोई चूज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर, बहुत ज्यादा ही बेटर होगा यहां पर सैमसंग गैलेक्सी M40। आपने कंपैरिजन देख लिया,
अगर आपने कंपैरिजन को ध्यान से देखा तो वीडियो को दोबारा आप लोग पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कंपैरिजन बताया है। कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमें आगे और निखरता हुआ दिखाई दे रहा है वो देख रहे हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M40। तो गाइज यही थे मेरे ओपिनियन आज की इस वीडियो में, और कोशिश की मैंने आप लोगों को बताने की यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 में एंड मोटोरोला वन विजन में से कौन सा आपको देखने को बेटर मिलता है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसे हमारी लेटेस्ट कंपैरिजन की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती है। तो गाइस मिलते हैं ऐसे दमदार और कमाल कंपैरिजन एंड स्पेसिफिकेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, और देखते रहिए टेक रिव्यू।